हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम आल्सो गुड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये टॉर्च बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो इसको जो है मैंने पहले ही बना लिया था, तो आप लोग देख सकते हो। मैंने जो है यहाँ पे जो है इस बैटरी का जो है पॉजिटिव वाला यहाँ पर लगाया है, और इसका जो नेगेटिव है उसके साथ मैंने जो है स्विच का कनेक्शन कर दिया है। स्विच को मैंने यहाँ पर लगाया है। तो इस टॉर्च को मैंने मेनली जो है पीवीसी पाइप से बनाया है, और उसको सैंड पेपर से रगड़ के काफ़ी अच्छे फिनिशिंग भी दे दिया है। और यहाँ पर जो हमारे घर में पुराना एलईडी बल्ब होते हैं उनका जो है एक कवर हमको ले लेना है, और इसे जो इस तरीके से लगा देना है। और यहाँ पर जो है मैंने एक पुश स्विच का यूज़ किया है। इसको पुश स्विच को प्रेस करते ही ये यहाँ पर ग्लो होगा। इसका ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा है, और वीडियो में इतना अच्छा देख नहीं पाओगे, पर इसका ब्राइटनेस जो है काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर जो है मैंने जो है यहाँ पर एक चारों स्टैंड बनाए हैं इसको होल्ड करने के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको जो है होल्ड कर पा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसको जो है होल्ड कर पा रहा है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा एक स्टैंड भी है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसको होल्ड भी कर पा रहा है। और ये जो है एक यूनिक आइडिया है, मैं ये टॉर्च को पहली बार यूज़ किया हूँ। तो आप भी इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो है मैंने यहाँ पे इस तरीके का आपके घर में अगर रोप हो यानी कि रस्सी हो, तो आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर यहाँ से एक जो पीवीसी पाइप को टुकड़ा बेंड करके इसको जो है फेविक्विक के द्वारा चिपका सकते हो। तो ये जो है हमारा हैंग भी हो रहा है, अगर आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ तो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंग भी हो रहा है। तो हैंग भी हो रहा है, और ये जो है इससे स्टैंड भी हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हो तो हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। तो इसे जो है इसके ऊपर का जो है होल में लगा दूंगा, और लगाने के बाद मैं यहाँ पे फेविक्विक नहीं चिपकाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा बैटरी ख़त्म हो गया तो इसको जो है मुझे चेंज करने के लिए इस होल इसको जो है मुझे दोबारा से खोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे एक पीवीसी टेप ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार, खरीद के जो है इस तरीके से आपको जो है इसके चारों ओर चिपका देना है कुछ इस प्रकार। जो है मैंने इसको लगा लिया है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोग देख सकते हो, सिर्फ एक वीडियो नहीं है, मेरा एक उंगली मतलब एक हाथ इधर है, और यहाँ पे उंगली से मैं कुछ स्विच को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये ग्लो हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो है ग्लो कर रहा है। और अब आता है इसका बॉडी मैंने कैसे बनाया है। तो इसको जब मैंने पीवीसी पाइप से बनाया है, और यहाँ पे एक छोटा सा पीवीसी पाइप का टुकड़ा काट के इसके अंदर जो है फेविक्विक से चिपका दिया है, और इसे सैंड पेपर से अच्छे तरीके से फिनिशिंग दे दिया है। और आप यहाँ पे 100 नंबर का सैंड पेपर यूज करना इसे रगड़ने के लिए, तो ये अच्छे इसको रगड़ देगा। और 320 नंबर का एक सैंड पेपर इसको अच्छे तरीके से फिनिशिंग देने के लिए आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो है एक छोटा सा होल करके इसका जो है इन दोनों वायर का मैंने जो है निकाल दिया है। अब किसी भी टाइप के लोहे को गरम करके उसका जो है आप खोल कर सकते हो। ये अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो उससे भी आप काफी अच्छे तरीके से छेद कर सकते हो। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा बना है। ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको जो है मैंने डायग्राम थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ हमारा डायग्राम, ये है बैटरी। तो इस बैटरी से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे पॉजिटिव के बीच मैंने जो है स्विच को फिक्स कर दिया है। स्विच का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे जो है कुछ फूल टाइप का बना है, ये कोई फूल नहीं है, ये जो है इस लाइट को मैंने जो है शेप लेकर इसको बनाया है, पर शेप का तो बिल्कुल भी नहीं आया। जो भी है हल्का फुल्का इसके शेप का आया है, हल्का नहीं भी आया है। जो भी है ये है इसका पॉजिटिव का तार, इसको जो है इस तरीके से मैंने लगाया है। और यहाँ पे जो है बैटरी का नेगेटिव का तार डायरेक्ट इसका नेगेटिव के तार के साथ है। और आप जो है स्विच को नेगेटिव के तार में भी लगा सकते हो, या
पॉजिटिव के टाइम में भी लगा सकते हो, पर मैंने जो है पॉजिटिव में लगाया है, आप भी वैसा कर सकते हो। तो ये थी कुछ हमारे कनेक्शंस, थोड़ा सा आपको जो है शो करा देता हूँ। ये है कुछ कनेक्शंस, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बहुत ही आसान सा कनेक्शन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।